बाद भारत जोड़ो यात्रा की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के आज 100 दिन मुकम्मल हो गए हैं। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने 2800 किलोमीटर से ज्यादा का फासला तय किया। भारत जोड़ो यात्रा अब तक मुल्क की 7 रियासतों से गुजर चुकी है, उनमें तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश शामिल है। भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त राजस्थान में। इस मौके पर कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से लिखा गया कि भारत जोड़ो यात्रा के 100वें दिन अंधेरे से उजाले की उम्मीद लेकर निकले हैं गांधी के मतवाले। अंधेरे के दरमियान भी यूं आवाम का इस्तकबाल के लिए उमड़ आना यात्रा को यादगार बना रहा है। इतिहास की सब किताबें देख लीजिए, लेकिन आज जैसा दौर कहीं नहीं मिलेगा। जिस तरीके से वायलेंस होता है औरत के खिलाफ, व्हाट काइंड ऑफ सिक्योर एटमॉस्फेयर शी इज गोइंग टू ग्रो अप इन, जहां नफरत की आग पे रोटियां सेकी जा रही हो, व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री इज नॉट इन गुड हेल्थ फॉर द डेमोक्रेसी, जहां अपने ही देशवासियों को जात और धर्म में बांटा जा रहा, मुसलमान सिख ईसाई है, ये स्थिति पैदा हो गई है कि पूरा देश तबाह हो गया है, बेरोजगारी का खूब अंधकार हो और कमर तोड़ महंगाई की मार हो, 2-4 बड़ी कंपनियों द्वारा पूरे भारत को लूटा जा रहा है, जहां सपने टूट रहे हो और अपने पीछे छूट रहे हो, नेशन इज इन अ वेरी बैड शेप, वी आर सिक ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन दिस कंट्री, कर्जों का रही और वहां पे प्लस जीएसटी है, दबाना चाहती है सरकार किसानों को। जब आवाज उठाना और सर उठाकर खड़े होना नामुमकिन हो रहा हो, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इन इंडिया, ऐसे क्रूर दौर विच इज डिवाइडेड एक यात्रा आई है, इस नफरत के अंधेरे को चीर कर क्रांति की मशाल उठाए। कोई शक्ति इस पद यात्रा को नहीं रोक सकती, क्योंकि ये पद यात्रा हिंदुस्तान की आवाज है। टूटे हुए सपनों को उम्मीद देने, राहुल जी इज द ओनली लाइट इन डार्कनेस, ये देश जो है शेरों का देश है, शेरनियों का देश है, छोटे कंधों को फिर शान से उठाए।